अस्सलाम वालेकुम, आई एम रमशाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने हैं और इसमें हमने डिफरेंट ऑर्थोलॉग्स लेने हैं और पैरालॉग्स लेने हैं और हमने मेगा को यूज़ करते हुए हमने फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। अब सबसे पहले हम ये जो ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स की बात कर रहे हैं, हमने इसको मतलब चेक करना है कि ये होते क्या हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को इनका पता नहीं चलता कि ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग हैं क्या चीज़। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऑर्थोलॉग्स क्या होता है। ऑर्थोलॉग्स वो होता है अगर एक जीन है, अगर वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है, अगर कोई अल्फ़ा एक जीन है और वो डिफरेंट स्पीशीज़ जैसे कि फ्रॉग हो गया, चिक हो गया, माउस हो गया, ये क्या होगी, डिफरेंट स्पीशीज़ होगी। अगर एक ही जीन, सेम जीन डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोलॉग्स। अब हम पैरालॉग्स की बात करते हैं। अब अगर एक जीन जो है, सॉरी, एक स्पीशी है, उसके अंदर दो डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिनका पीछे से अंसेस्टर सेम हो या जो जीन डुप्लीकेशन की वजह से हो, तो उनको हम बोलते हैं पैरालॉग्स। फॉर एग्जांपल, अगर माउस के हम बात करें तो माउस क्या है, एक स्पीशी है, तो उसके अंदर दो जीन्स हो सकते हैं, एक अल्फा जीन हो सकता है, एक बीटा जीन हो सकता है, जो कि एक है जिनका, जो किस वजह से होता है, क्योंकि उनके जीन डुप्लीकेशन होती है, इस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के पैरालॉग्स। ठीक है, पैरालॉग्स की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही स्पीशी की बात करते हैं, जबकि ऑर्थोलॉग्स में क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ का हम बोलते हैं। सेम जीन होता है ऑर्थोलॉग्स में और डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, जबकि पैरालॉग्स में क्या होता है, सेम स्पीशी होती है और डिफरेंट जीन्स होते हैं। ठीक है, जो किस वजह से होते हैं, जीन डुप्लीकेशन की वजह से होते हैं। होप सो आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी कि ये जो हम बोल रहे हैं ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स क्या होता है। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, हमने उसके लिए इस दफ़ा हम NCBI से ही सिर्फ डाटा नहीं लेंगे, हम इसके लिए इंसेम्बल को भी यूज़ करेंगे, ताकि हम एक अच्छा और मतलब बहुत ही ऑथेंटिक जो है, हम फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे NCBI पे। NCBI पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम अपना जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा जीन है जिसके लिए हम फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं एक जीन है A2M अल्फा 2 मैक्रोग्लोब्यूलिन, ठीक है, ये एक प्रोटीन, सॉरी, जीन है, तो मैं उसको यूज़ करते हुए मैं अपना ये काम करने लगी हूँ। ठीक है, तो सर्च में मैंने इसको लिख दिया, अब इसके रिलेटेड काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो जब हम ये ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स का ट्री कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होते हैं, ऑर्थोलॉग्स। ठीक है, तो अब हम ये देखें, ये देखिए, यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट वाला जो है A2M अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, इसके अब ये जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्थोलॉग्स। हम लेंगे ऑर्थोलॉग्स, पहले हम ऑर्थोलॉग्स लेंगे और इसके साथ वाले ही टैब में हम ओपन कर लेंगे इनसेम्बल। इनसेम्बल को ओपन कर लेंगे। इनसेम्बल को ओपन करने का मकसद ये है कि हमने जो NCBI से जब हमने ऑर्थोलॉग्स लेने हैं, ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे अब ऑर्थोलॉग्स काफ़ी सारे आ गए। जब हमने NCBI पे सर्च बार में A2M मतलब अपनी जीन या प्रोटीन का नाम लिखा, उसके बाद नीचे जो ऑर्थोलॉग्स लिखा होता है उसको ऊपर क्लिक किया, तो ये देखिए नीचे हमारे पास काफ़ी सारे, ये तमाम के आगे ऑर्थोलॉग्स। ये ऑर्थोलॉग्स कैसे हैं, क्योंकि ये हम सेम जीन डिफरेंट स्पीशीज़ में चेक करें, जैसे कि ये रूडी डक हो गई, ये चिमनी स्विफ्ट आ गया, रॉक पिजन आ गया, ये डिफरेंट क्या है, स्पीशीज़ हैं। सेम जीन डिफरेंट स्पीशीज़ में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं ऑर्थोलॉग्स। ठीक है, तो ये तमाम क्या है, ऑर्थोलॉग्स। अब हमने जब स्पीशीज़ सेलेक्ट करनी है तो हमने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने वो स्पीशीज़ सेलेक्ट करनी है जो कि इनसेम्बल में भी प्रेजेंट हो। इनसेम्बल में इनकी प्रेजेंस हम कैसे पता चलाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ऑल स्पीशीज़ है ना, यहाँ पे आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन का चेक, इधर से हमने सेलेक्ट किया है ह्यूमन, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इनका कॉमन नेम भी लिखा होता है नीचे, ये क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन। तो हम यहाँ पे जाके हम लोग चेक करेंगे कि ह्यूमन प्रेजेंट है या नहीं, तो एच पे हम क्लिक करेंगे अपने, ये जो हमारी कीबोर्ड होती है वहाँ पे हम एच पे चेक करेंगे। ये देखें,
बार बार क्लिक करते जाएंगे तो जितने भी आज के रिजल्ट्स होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ गया, ह्यूमन। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इंसेंबल में ह्यूमन का प्रेजेंट है डाटा, ठीक है। इसके अलावा एक और भी तरीका है, आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे सिलेक्ट अ स्पीशीज पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे व्यू फुल लिस्ट ऑफ ऑल स्पीशीज, यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो स्पीशीज इंसेम्बल पे प्रेजेंट हैं तमाम स्पीशीज ये आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो A to M है जीन, हमने जिसके लिए फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हम ऑर्थोलॉग सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया होमोसेपियन, तो इसके साथ ही मैंने इंसेम्बल पे चेक कर लिया कि होमोसेपियन मीन्स ह्यूमन प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगी ह्यूमन, ह्यूमन का नाम लिखूंगी तो सर्च में आ जाएगा कि प्रेजेंट है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट पीछे मैं सेलेक्ट करूंगी, ये आ गया, इन्होंने दिया हुआ है, आप इस जो मर्जी कर लें। गैलस, गैलस मीन्स चिकन। तो मैं एक दफ़ा चिकन को यहाँ पे सेलेक्ट करने से पहले मैं इंसेंबल पे जाऊंगी और चेक करूंगी कि यहाँ पे चिकन प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी चिकन, चिकन, ये देखें ये चिकन काफ़ी सारे आ गए, तो इनमें से आप कोई सा भी ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने चिकन रेड जंगल लिखा हुआ है, चिकन ये वाला काफ़ी सारे हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी ले ले, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है गैलस, गैलस नॉर्मल चिकन इन्होंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इन सैम्पल पे हमारे पास ये चिकन आ रहे हैं तो इनके जो हैं आगे ऑर्थोलॉग्स या पैरालॉग्स जो भी हैं इनका डाटा अवेलेबल है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब वर्क किया था तो यहाँ पे जब मैंने स्पीशीज सेलेक्ट कर ली थी तो जब मैं इंसेम्बल पे गई थी इनके लिए पैरालॉग्स लेने, क्योंकि हम NCBI से ऑर्थोलॉग सेलेक्ट करें और इंसेम्बल से हम उनके पैरालॉग्स लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से हम इंसेम्बल से पैरालॉग्स लेने लगते हैं स्पीशीज और NCBI से सेलेक्ट करने के बाद, तो अक्सर स्पीशीज ऐसे होती हैं जो इंसेंबल पे प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे साथ साथ चेक करते जाएंगे ताकि एट द स्पॉट हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमने होमोसोपियन ले लिया, कैलस, कैलस मीन्स चिकन ले लिया। उसके बाद ये अब हम चेक कर लेते हैं आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल, मीन्स ये हम चेक सेलेक्ट करने से पहले हम दोबारा जाएंगे इंसेंबल पे और हम लिखेंगे यहाँ पे कि भाई ये प्रेजेंट है या नहीं। आप चाहो तो, आपको अगर बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, तो आप ये वाला चेक कर सकते हो। आप ये कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ लिख कर देख लें कि ये प्रेजेंट है या नहीं। तो जब चेक करेंगे तो मीन्स ये प्रेजेंट है, तो हम इसको भी, इस स्पीशी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये भी हमारा सिलेक्ट हो गया, थ्री हो गए। अब और क्या काम करेंगे, इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने थ्री किए हैं सिलेक्ट, इसके साथ ही आपको जितने भी सिलेक्ट करने हैं तो आप उतने ही कर लें। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर हम ज़्यादा भी सिलेक्ट करेंगे तो जब हम इनको रन करवाएंगे मेगा पे, तो अभी तो ये थ्री सीक्वेंसेस सिर्फ हैं, तो उसके बाद जब हम इनके पैरालॉग्स भी डालेंगे तो ये काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो जब जितने ज़्यादा सीक्वेंसेस हों तो मेगा पे जब रन करवाते हैं तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने ये लिया है, ह्यूमन लिया, चिकन लिया और आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल लिया है, ठीक है। इसके साथ ही आप नीचे तक जितने मर्जी ले सकते हैं सेम ऐसे ही इसी मेथड से, ठीक है। जब हमने ये थ्री सेलेक्ट कर लिए हैं, थ्री सेलेक्ट करने के साथ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंसेम्बल पे दोबारा जाएंगे, बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब हम, सबसे पहले हमने कौन सी स्पीशीज सेलेक्ट की थी, हमने ह्यूमन ली थी, ठीक है। तो हम इंसेंबल पे जाके ह्यूमन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो हमने स्पीशी हमने इंसेंबल पे, सॉरी NCBI पे लिखी थी, सेम हमने वही जीन, सॉरी जो जीन हमने NCBI पे लिखा था सेम जीन और सेम स्पीशी हम इधर लिखेंगे A to M, और हम कर देंगे गो। गो करने के बाद यहाँ पे देखें ये, अच्छा हम इसको दोबारा चेक करते हैं, बैक पे जाते हैं, ये ह्यूमन सेलेक्ट कर लिया। ह्यूमन सेलेक्ट करने के बाद A to M जीन हो गया, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सर्वर फेल टू रिस्पॉन्स, मीन्स इस टाइम ये सर्वर अवेलेबल नहीं है।
तो कुछ टाइम वेट करने के बाद मैंने दोबारा किया। अक्सर ऐसे होता है कि इंसेंबल की जो वेबसाइट होती है वो बिजी होती है या अक्सर वर्क नहीं कर रही होती प्रॉपर या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो ये होता रहता है। तो मैंने थोड़ा सा टाइम वेट किया, उसके बाद अगेन दोबारा हम चेक करते हैं। मैंने ह्यूमन का जो थे हम ह्यूमन स्पीशी को A2M जीन के अगेंस्ट रन करवाया था, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जीन पे रिस्ट्रिक्ट कैटेगरी टू द जीन, ठीक है। उसके बाद हम ये जो फर्स्ट वाला ही है या जो भी आप लेना चाहें नीचे वाला, तो हम फर्स्ट वाला मैं सेलेक्ट कर रही हूँ A2M जो भी लिखा हुआ है जीन। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे हमारा नेक्स्ट काम है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ह्यूमन का उन्होंने लिखा हुआ है कि 239 ऑर्थोलॉग्स प्रेजेंट है ह्यूमन में और 8 पैरालॉग्स। अब यहाँ पैरालॉग्स पे हम क्लिक करेंगे, और पैरालॉग्स पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो आपके पास ये देखें ये सारे पैरालॉग्स आ गए नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डाउनलोड पैरालॉग्स, डाउनलोड पैरालॉग्स पे आपने क्लिक करना है। तो ये देखें ये फाइल का नाम आ गया ह्यूमन A2M पैरालॉग्स फास्टा फॉर्मेट, और ये अलाइनमेंट DNA को आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने लिखना है अनअलाइंड सीक्वेंसेस इन द CDS फॉर्मेट, ठीक है। और आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे तो साथ में ही इधर आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा कि आपका डाउनलोड हो गया। ये देखें ये हो गया। उसके बाद अब आप नेक्स्ट दोबारा जाएंगे NCBI पे। NCBI पे हमने अपना फर्स्ट स्पीशी कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा चिकन जो है चिकन के लिए ये सेम वर्क करेंगे। तो हम इंसेम्बल पे जाएंगे, बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम यहाँ पे अब ह्यूमन की जगह लिख देंगे, क्या लिखेंगे चिकन, क्योंकि गैलस गैलस क्या है चिकन। सेलेक्ट करते जाएंगे सी को प्रेस करते जाएंगे और चिकन आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये आ गया चिकन। तो इसके बाद अब हम अगेन गो पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगेन रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये देखें तो हम यहाँ पे पहले जीन पे सेलेक्ट करेंगे, जीन पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये जो है हम इस पे क्लिक करेंगे नोवल जीन चिकन जीन, ठीक है। और इसके बाद अब ये देखें अब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर पैरालॉग्स अवेलेबल होते हैं, मीन्स एक स्पीशी के अंदर उस मतलब जो जीन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज में पैरालॉग्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। ये देखिए जिसमें प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पे कुछ इस तरह का होता है, वहाँ पे नहीं लिखा होता। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है ये देखिए जीन ट्री पे जब हम यहाँ पे ये ब्रीड्स में जब हम जीन ट्री होता है जीन ट्री के नीचे जो पैरालॉग्स वगैरह होते हैं उन पर क्लिक करना चाहिए तो वो क्लिक नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पैरालॉग्स या ऑर्थोलॉग्स इसके अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमारा हम इसके साथ ही बैक पे जाएंगे, दोबारा हम NCBI पे जाएंगे। NCBI पे हम थर्ड जो हमारी स्पीशी हमने सेलेक्ट की थी तो उसको देखेंगे, हमने थर्ड सेलेक्ट कौन सी की थी आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल। तो हम इसको इधर जाएंगे दोबारा इंसेम्बल पे, इंसेम्बल पे जाने के बाद बैक पे जाएंगे और यहाँ पे चिकन के बाद अब हमारी नेक्स्ट स्पीशी क्या थी आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल। तो हम ए को प्रेस करते जाएंगे जब तक कि आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल ना आ जाए। ये देखें ये आ गई, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगेन गो पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और साथ में ही हम जीन पे सेलेक्ट करेंगे, जीन को सेलेक्ट करेंगे, जीन को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम क्लिक करेंगे जो रिजल्ट आएगा ये देखें। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे इसके वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स प्रेजेंट है। ये देखें यहाँ पे हमें ये शो करवा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम जीन ट्री पे भी क्लिक करें तो यहाँ और ये देखें पैरालॉग्स पे भी ये भी हमें मतलब क्लिक करने का ऑप्शन देता है, मीन्स इसमें ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स प्रेजेंट है। तो हम पैरालॉग्स पे क्लिक करेंगे, पैरालॉग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास थोड़ा सा जाएंगे तो हमारे पास पैरालॉग्स आ जाएंगे। ये थोड़ा लोड हो रहा है, ये देखें ये हमारे पास पैरालॉग्स आ गए। पैरालॉग्स आने के बाद अब हम इनको अगेन सेम वैसे ही डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड पैरालॉग्स करेंगे और यहाँ पे फास्टा फॉर्मेट सेम वही अनअलाइंड सीक्वेंसेस को हम सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। अब उसके बाद अगेन हम दोबारा जाएंगे ये NCBI पे। अब हमने जो हमारी स्पीशीज थी हमने साथ साथ उनके पैरालॉग्स भी डाउनलोड कर लिए। अब ये जितने भी जिस तरह मैंने ये थ्री स्पीशीज सेलेक्ट किए हैं थ्री ऑर्थोलॉग्स सेलेक्ट किए हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जाना है डाउनलोड पे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपने लिखना है वन सीक्वेंस पर जीन और
और यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास A2M रेफरेंस सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्ट, ये देखें मेगा की फॉर्म में, ये जो ब्लू कलर का M लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास इस वक्त 3 फाइल्स आ गई। ठीक है, एक ह्यूमन के हमारे पास पैरालॉग्स आ गए, आर्कटिक ग्राउंड स्क्विल के भी पैरालॉग्स आ गए, और A2M रेफरेंस सीक्वेंस जो है ट्रांसक्रिप्ट, इसके भी हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्थोलॉग्स के सीक्वेंसेज आ गए। ठीक है, और अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्क जो है वो है मेगा पे। अब तो इसके लिए हम मेगा पे जाएंगे, और मेगा पे जाने के बाद मेगा को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा शायद। तो ये मेगा ओपन हो गया। तो मेगा ओपन होने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे अलाइन पे। अलाइन के बाद एडिट एंड बिल्ड अलाइनमेंट, और उसके बाद अब हम यहाँ पे डी सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस आ जाएं तो क्रिएट अ न्यू अलाइनमेंट, और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप किसके लिए, डीएनए के लिए कर रहे हैं या प्रोटीन के लिए वर्क करना चाह रहे हैं। तो हम डीएनए के लिए कर रहे हैं, और इसके बाद दोबारा हम इस फाइल को बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जाएंगे एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद अब हम करेंगे इंसर्ट सीक्वेंसेस फ्रॉम द फाइल। तो हम वहाँ पे सेम उसी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमने अपने सीक्वेंसेस पेस्ट किए हुए थे या डाउनलोड किए हुए थे। तो हमने डाउनलोड्स में सारे हमारे जो सीक्वेंसेस थे वो थे, प्रेजेंट थे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये थोड़े से ज़्यादा ही बड़े शो हो रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास वो तमाम सीक्वेंसेस हैं जो हमने डाउनलोड किए थे। अगर आपको ये सीक्वेंसेस शो नहीं हो रहे, अक्सर लोगों को नहीं हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो है उनका इन ऊपर वाले ऑप्शंस में से किसी में से कोई सिलेक्ट किया था, तो अगर कुछ भी है तो आपने उसको ऑल पे क्लिक करके, यहाँ पे जो होता है ये वाला ऑल लिखा होता है, तो आपने उसको क्लिक करना है, तो आपको तमाम जो है ये ऑप्शंस शो होंगे। मींस मेगा फॉर्मेट में है या नोट पैड की फाइल है, तो दोनों ही आपको शो होंगी। तो आपने ऐसे करना है, आपने दोनों सबको क्लिक करना है। एक पे क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल को प्रेस करते हुए बाकी के सीक्वेंसेस को भी सिलेक्ट कर लेना। ये मैंने 3 सीक्वेंसेस ली, मतलब 3 फाइल्स है मेरी। इसके साथ ही अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी ज़्यादा फाइल्स होंगी। तो ऐसे ही आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है और ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, ये जो लास्ट वाला सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1, ये ब्लैंक है, तो हमने इसको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद लास्ट वाला सीक्वेंस डिलीट करने के बाद आपने ऐसे करना है कि कंट्रोल को दबाते हुए ए पे क्लिक करना है, मींस सेलेक्ट ऑल कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे तो तमाम सीक्वेंसेस आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अलाइनमेंट पे जाना है। अलाइनमेंट पे जाके आपने अलाइन बाय क्लस्टर W। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, और ओके पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमने 3 ऑर्थोलॉग्स लिए थे और उसके जो पैरालॉग्स थे, किसी मतलब 2 स्पीशीज़ के प्रेजेंट थे और एक का नहीं प्रेजेंट था। सेम ऐसे ही आपने करना है। जब हम ज़्यादा ऑर्थोलॉग्स लेते हैं तो उनके पैरालॉग्स भी इतने ज़्यादा होते हैं, तो ये मतलब ये जो वर्क जो हमारा अभी थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो तब ये बहुत स्लो होता है। जब मैंने वर्क किया था तो हम लोगों ने 12 ऑर्थोलॉग सेलेक्ट किए थे, और उनके ऑल अवेलेबल पैरालॉग्स जो लिए थे तो उस पर तकरीबन 7-8 घंटे लगे थे उसकी ये जो अलाइनमेंट करवाने पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चेक करते हैं। ये देखें, इस पर काफ़ी टाइम लगा है, तकरीबन 4 मिनट्स लगे हैं ये सिर्फ 22 सीक्वेंसेस को अलाइनमेंट पे। इसी तरह आप जब ज़्यादा करेंगे तो आपका भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये अभी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम इस फाइल को सेव कर लेंगे मेगा फॉर्मेट में। तो ये कंप्लीट होता है तो फिर देखते हैं। जैसे ही हमारी अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास कुछ इस तरह का फेज आ रहा है। ये हमारे लास्ट वाले सीक्वेंसेस हैं, तो हम ये नीचे से इस साइड पे जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का शो होगा। ठीक है, तो ये हमारी इस वजह से इसलिए है क्योंकि हमने ब्लास्ट नहीं करवाया था NCBI पे अपनी जीन को। एक और मेथड भी होता है सेम इसी तरीके से फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने का। उसमें क्या होता है, उसमें हम जब ये NCBI पे स्पीशीज सेलेक्ट करते हैं तो उससे पहले एक जीन के लिए उसको ब्लास्ट करवा लेते हैं।
पर फिलहाल हमने यहाँ पे ऐसे ही किया है ताकि एक दफा तरीका आ जाए, उसके बाद फिर हम ब्लास्ट भी करवा सकते हैं। उस तरीके से भी हो सकता है, सेम वैसे ही होगा जैसे हमने अभी किया। तो ये करने के बाद जो ये देखें, फिलहाल यहाँ पे ये स्पीशी आ रही है जिसका सीक्वेंस हमें आई थिंक अवेलेबल नहीं है पूरी रो में। तो हम क्या करेंगे, इस जिसका आपको पूरी रो में सीक्वेंस नहीं मिल रहा, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद सेम ऐसे ये वाला जो है हमारा 13 नंबर वाला, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर इसका किसी जगह पे सीक्वेंस आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं इसका अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद यहाँ पे जाएंगे डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद एक्सपोर्ट अलाइनमेंट, एक्सपोर्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और इसको हम मेगा फॉर्मेट की फाइल फॉर्म में हम इसको सेव कर लेंगे। और हम इसको कहाँ पे, जहाँ पे भी आप रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड्स में ही जाके इसको A to M की फॉर्म में इसको मैं रखना चाह रही हूँ। A to M मेगा फाइल, ठीक है, इस नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, वो कह रहे हैं कि दोबारा आप इसी का नाम लिखें, तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं A to M मेगा फाइल। अगेन हमने उसका नाम लिख दिया और ओके पे क्लिक कर देंगे। वो कह रहे हैं कि ये प्रोटीन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो इस पे हम नो पे क्लिक करते हैं। नो पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे हम फाइलोजेनी पे जाएंगे। फाइलोजेनी पे जाने के बाद ये हमसे ऑप्शंस मांगेगा कि आपने किस तरह का फाइलोजेनी, मीन्स जो आपने ट्री है, फाइलोजेनी हम ट्री को ही बोल रहे हैं, किस मेथड से आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेस्ट नेबर ज्वाइनिंग ट्री। ठीक है, तो नेबर ज्वाइनिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो उसके बाद अब आप जाए, हम दोबारा हमने डाउनलोड्स में अपनी फाइल रखी थी और उसी फाइल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद उसके बाद कुछ इस तरह का फेज आएगा। तो यहाँ पे आपने ये टेस्ट ऑफ फाइलोजेनी पे आपने बूटस्ट्रैप मेथड यूज़ करना है, या इसको ऐसे पता चलता है अक्सर, यहाँ पे लिखा होता है नन, तो उससे आपको बूटस्ट्रैप वैल्यू लास्ट पे जब हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक वैल्यू होती है मतलब डिजिट्स के फॉर्म में 2, 3, 4 जो भी होता है, तो वो आपको अगर नन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो हमने बूटस्ट्रैप मेथड यूज़ करना है, क्योंकि बूटस्ट्रैप मेथड का मतलब ये होता है कि हर सीक्वेंस जो है दूसरे सीक्वेंस से के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके साथ रन करवाया जाता है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे 1000 को सिलेक्ट करते हैं। ये आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये देखें, तो हम 1000 सेलेक्ट करेंगे। 1000 का मतलब ये है कि हर सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस के साथ 1000 टाइम्स रन करवाया जाता है, तो उसके बाद जाके उसकी जो प्लेस बनती है ट्री में तो वो एग्जैक्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद ये सेम वैसे ही रहने देना है, जो ऑप्शंस यहाँ पे आपने वैसे ही क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और विद इन सेकेंड्स आपका ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है अलाइनमेंट पे लगता है, जब अलाइनमेंट हो गई तो आपका इतना काम नहीं होता। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरह का आएगा, ये ओरिजिनल ट्री है और ये बूटस्ट्रैप कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सेंसिस ट्री है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल ट्री यहाँ पे ये देखें, ये आपको अंदर ही अंदर मर्ज किया हुआ लग रहा है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ लेआउट पे जाएं, लेआउट पे जाने के बाद आप ये ट्री के जो है स्टाइल्स भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये ट्री स्टाइल ट्रेडिशनल है, आप अगर चाहें तो सर्कुलर में भी कर सकते हैं। ये देखें, सर्कुलर में करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का शो होगा। ठीक है, और अगर दोबारा से हम इसको दूसरे फॉर्म में ट्रेडिशनल में ही क्लिक करते हैं, ट्रेडिशनल में रेक्टेंगल में, तो इस तरह। इसके साथ ही अगर आप इसके ट्री की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, मीन्स ये लाइन लंबी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो आपके डिजिट्स वगैरह, ये होती बूटस्ट्रैप वैल्यू, ये 100 हो गया या 98% हो गया, तो ये क्या, इसकी बूटस्ट्रैप वैल्यू, तो इससे ये क्या होती है, ये क्लियर आपको इमेज नज़र आती है। ठीक है, उसके साथ आप इसकी हाइट भी है, मींस ये इस तरह आप इसको भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो इस तरह होता है। फिलहाल मैं हाइट नहीं इंक्रीज़ करी, सिर्फ इसकी विड्थ बढ़ा रही हूँ, ताकि हमें ये सिक्वेंसेस ठीक से नज़र आ जाए। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद इसको सेव एज PDF भी कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में मैं सेव कर रही हूँ,
यहाँ से हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, और यहाँ पे आप लोकेशन देख लें कि आप इसको कहाँ पे लोकेट करना चाहते हैं। अक्सर हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो बाद में हमें मिलती नहीं है, तो सेव कर देते हैं। उसके बाद ये डाउनलोड्स में मैं जाऊँगी, डाउनलोड्स में जाके मैं इसको लिखूँगी अपनी, मैं ट्री का नाम दे देती हूँ, ट्री ऑफ ए टू एम जी, ठीक है। इस फाइल में मैं इसको सेव कर लूँगी। सेव करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जनरेटिंग इमेज एक्सपोर्ट, यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा सा और हमारे पास ये हमारा सेव हो जाएगा। इसके अलावा आप ये जो ट्री है आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप इमेज पे जाएं, इमेज पे जाके आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं। आप इसको सेव एज पीएनजी, मतलब आप इसको पिक्चर की फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे जाएं इस साइड से तो आपको कुछ और भी ऑप्शंस आएंगे, डिस्प्ले कैप्शन मीन, और ये देखिए नीचे आपको इसका कैप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। मीन्स आपने इसमें कौन कौन सा मेथड यूज़ किया है, जो जो भी आपने इसमें वर्क किया है, ये सारा लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप इसको भी कॉपी करके अपने जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके नीचे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें ये ट्री में ये लास्ट पे क्या लिखा हुआ रहा है, ये वाली, ये इसकी पी वैल्यू, जो कि एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू होती है। और यहाँ पे ये क्या है, 198, ये होगी बूटस्ट्रैप वैल्यू, और ये इसकी ब्रांचेस, सॉरी ये लीफ हो गए, और ये इसकी ब्रांचेस वगैरह हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस इसकी बाद की बात है, फिलहाल हमारा कंसर्न था फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करना, वो हमने कर लिया। अब हम जाएंगे अगेन अपने गूगल डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में जहाँ पे हमने अपनी ट्री डाउनलोड किया था, और हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, आप क्या करें इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ओपन विथ, ओपन विथ वर्ड, ये ओपन विथ, हम चूज एन अदर ऐप पे क्लिक करेंगे और हम इसको वर्ड पे ओपन करेंगे। नीचे जाएंगे तो हमारे पास शायद वर्ड का ऑप्शन आ जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन आ गया, हम इसको ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ओपन करने का मकसद ये है कि हम इसमें एडिट वगैरह कर सकें, जहाँ पे इन्होंने हमारे वो लिखे हुए हैं, मतलब सेशन नंबर लिखे हुए, वहाँ पे हमें जो इनका जनरल नेम है स्पीशीज का, हम वहाँ पे एडिट करेंगे ताकि हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री मज़ीद प्यारा हो सके। तो ये देखें ये पीडीएफ वाली फाइल जो है वो इस तरह की शो होती है। ये देखें आप यहाँ से इसको अपने जो भी आप का है रिसर्च वर्क या जहाँ पे भी आप ये ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से भी इसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड की फाइल ओपन हो गई, ओपन हो रही है अभी, ये देखें। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर टाइम लगेगा, ये देखें कुछ इस तरह का फेज आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये देख यहाँ पे अब यहाँ से आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये देखें ये जो होमोसेपियन लिखा हुआ है, अल्फ़ा टू मैक्रोग्लोबुलिन, आप इसको यहाँ से जो ए टू एम है अल्फ़ा टू मैक्रोग्लोबुलिन, ये तो हम ऊपर बता ही चुके हैं कि हम इसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो हम इसको कट करके हम इसमें ब्रैकेट में या वैसे ही हम इसका जो कॉमन नेम है ह्यूमन का, होमोसेपियन का ह्यूमन है, तो हम वो लिख देंगे ह्यूमन, और क्योंकि ये इस तरह कॉमन नेम्स भी लिखने ज़रूरी होते हैं। इसी के साथ ही ये जिस तरह गैलस 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 क्या होता है, चिकन होता है, तो हम यहाँ से इस पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो जो जो कॉमन नेम्स होंगे उनके हम ऐड करते जाएंगे। अगर आपको कॉमन नेम्स का पता नहीं चल रहा कि हमने कहाँ से ऐड करना है, तो इसके लिए आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके यहाँ पे जो यहाँ पर हम न्यू टैब ओपन करेंगे, न्यू टैब ओपन करने के बाद सर्च बार में हम लिखेंगे NCBI टेक्सोनमी ब्राउज़र। टेक्सोनमी ब्राउज़र लिख के आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन जो आएगा टेक्सोनमी ब्राउज़र रूट वाला, इस पर आपने क्लिक करना है।
इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपका जो भी है, जो भी जिसका आप कॉमन नेम जानना चाहते हैं, तो आप इससे पता लगा सकते हैं। तो ये जिस तरह गैलस गैलस लिखा हुआ है, आपको इसका कॉमन नेम, फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको कॉपी करें और गूगल पे जाके यहाँ पे NCBI पे आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कॉमन नेम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे गैलस गैलस के आगे लिखा हुआ है चिकन, तो ये इसका कॉमन नेम क्या है? चिकन है। तो यहाँ से आप कॉपी कर लें या चाहे देख के वर्ड पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये गैलस गैलस तो कॉमन से है, अगर आपको इसके अलावा कोई और है जिस डिफरेंट से स्पीशी है जिसका आपको नाम नहीं पता, तो आप इससे भी उसका नाम लिख सकते हैं। तो इसके बाद ऐसे करके आपने इसको सेव कर देना। सेव करते हुए भी आप यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसको चाहे तो PDF की फॉर्म में सेव कर ले, ठीक है, ये जो भी इसको नाम देना चाहे। इस तरह ऐसे इस तरह से आप अपना पॉलीजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। अगर करने से पहले अल्लाह हाफिज़ करने से पहले अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे ही हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।